मध्य प्रदेश में गलती से एक सीट मिली थी छिंदवाड़ा की, इस बार छिंदवाड़ा की भी सीट नहीं मिलने वाली है। मध्य प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा सीटों के ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा। अब की बार 400 पार के संकल्प को लेकर उतर रहा हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी हाँ, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आलोक शर्मा जी, भोपाल से उम्मीदवार। सर, पार्टी ने इतनी बड़ी जवाबदारी आपको दी है, क्या कहें? देखिए, सबसे तो पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी का, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा जी का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश संगठन का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने कि एक छोटे से जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को भोपाल लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। क्या लगता है सर आपको, आप आगे आपकी रूपरेखा क्या रहेगी, क्या आप किन चुनौतियों को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, मैं तो केवल विकास के मॉडल को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। डबल इंजन की सरकार आज हमारे यहाँ देश में मध्य प्रदेश के अंदर है, और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो देश में विकास के काम किए हैं, जिस उन विकास के कामों को जिन लाभार्थियों को लाभ मिला है, ऐसे लाभार्थियों के बीच में हम जा रहे हैं और उनको किन किन योजना का लाभ मिला है उनसे हम सीधे संवाद कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का राम राम पहुंचा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको राम राम पहुंचाया है और आपको किस योजना का लाभ मिला है, और उनको भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों से जोड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इसका लाभ इस लोकसभा चुनाव में मिलेगा। और मध्य प्रदेश की 29 की 29 लोकसभा सीटों के ऊपर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी विजय सीढ़ी का वरण करेगी। पूर्व में आप महापौर भी रहे, आपको क्या लग रहा था कि इस बार टिकट आपको मिलेगा? आपने पार्टी के लिए काफी काम भी किया, क्या? देखिए, मैंने कहा कि हमारे यहाँ दावेदारी करने की कोई वो नहीं, काम करते रहिए, संगठन गढ़े चलो, सुपंत पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो सब काम किए चलो। हम अपने बारे में विचार नहीं करते, हमारा तो काम है कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारी माँ भारती आगे बढ़े, हमारा देश परम वैभव शिखर के ऊपर पहुंचे, और दुनिया के अंदर हमारे देश का नाम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज पूरा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशा भरी निगाहों से देख रही है, और इस बार हमने संकल्प लिया है कि इस बार देश में हम लोग अब की बार 400 पार के संकल्प को लेके उतर रहे हैं। निश्चित रूप से जो नई पीढ़ी भी आई है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है, और मैं समझता हूँ कि आज हर सेक्टर में आप देखिए लगातार विकास 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 हो रहा है, और आने वाले समय के अंदर हमारा देश ऊंचाइयों के ऊपर छुएगा और नरेंद्र मोदी जी पूरा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस की बात करें तो अभी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं हुआ है, पहली लिस्ट नहीं है, ये क्या लगता है आपको, आपका नाम देखकर कुछ फेरबदल किया? नहीं, कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस किसको टिकट देती है या हमारा नहीं। कांग्रेस तो मैं समझता हूँ पूरी तरीके से टूट चुकी है, पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी है, कांग्रेस के अंदर तो भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस से तो लोगों का विश्वास हो गया है। पिछली बार मध्य प्रदेश में गलती से एक सीट मिली थी छिंदवाड़ा की, इस बार छिंदवाड़ा की भी सीट नहीं मिलने वाली है, 29 की 29 लोकसभा के ऊपर कमल का फूल खिलने वाला है। धन्यवाद। तो ये थे आलोक शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि 29 की 29 सीटों पर कमल का फूल खिलने वाला है। बने रहिए मृदुभाषी के साथ, कैमरा पर्सन सचिन के साथ, मैं रश्मि जैन, भोपाल।